चाईबासा पुलिस के नेतृत्व में संयुक्त सुरक्षा बलों का अभियान पिछले 5-6 महीने में इस एरिया में हमने लगातार किया है और कई अभियान में हमें सफलता के मिली है। विभिन्न मीडिया माध्यमों और अन्य माध्यमों से बार बार ये संदेश हम विद्रोही ग्रुपों को तक पहुंचाना चाह रहे हैं कि वो सरकार की आत्मसमर्पण की नीतियों का पालन करते हुए आत्मसमर्पण करें। और अफसोस की बात है कि इसका अभी तक उन लोगों की तरफ से कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आया है और इसी क्रम में अभी जो है ये अभियान आगे जारी रहेगा। अभी हमने ये आईडी रिकवरी और सर्जमबुरू के अंदरूनी इलाकों में जाकर के ये जो अभियान चलाया है इसका एक बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा और जो गांव वालों में एक जो असुरक्षा की भावना थी उससे हमने उस असुरक्षा की भावना को दूर किया है, लोगों के साथ मिले हैं और एक सरकार की जो रूल ऑफ लॉ है वो उसके स्थापित करने का प्रयास किया है और इसमें हमें सफलता भी मिली है। अगर अभी फिर से एक बार एक संदेश देना चाहेंगे कि इस हिंसा का रास्ता छोड़कर नक्सली मुख्यधारा इसमें लौटें, अन्यथा आगे आने वाले दिनों में ये कार्रवाई हमारी जारी रहेगी।